Hello, my dear friends. Welcome to our channel, Sprint to Civilian. I am Prem Kumar. देखिए, in this video we are going to discuss about DSSSP JE Civil का कि एग्जाम कब होगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, पहले क्या रहा है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइब. देखिए, ये DSSSP JE का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएगा तो ये नोटिस मिल जाएगा. 14/8 का ही ये डाला गया अगस्त में, उस समय इन्फॉर्म किया गया था. अभी इसका आपको एडमिट कार्ड कब आएगा उसके भी बारे में देखेंगे हम लोग. टीयर वन एंड टीयर टू कुछ एग्जाम के बारे में है. देख सकते हैं यहाँ पे मैनेजर मैकेनिकल का अगर देखिएगा तो ये आपको यहाँ पे है. किस तारीख को है ये? 25/9/2023. तो ये आपको सितंबर 25 तारीख को है 8:30 से 10:30 बजे. और ये अगर देखा जाए मैनेजर मैकेनिकल तो ये 12:30 से 2:30 बजे तक, मतलब कि पोस्ट कोड आप देख सकते हैं ये सेम ही है. ठीक है, और पब्लिक असिस्टेंट का भी उसी दिन है, ये देख सकते हैं आप लोग. तो ये हो सकता है दो पेपर होगा इसलिए ये दिया होगा. अब यहाँ पे आइए, आप 27/9/2023 दिमाग में छाप लीजिए इसको. 27 सितंबर को, जिस दिन के बुधवार है, टीयर टू का एग्ज़ाम जो कि टीयर वन हो चुका है. और 9 से 11:30, ये समझिए कि आपको सुबह में ही जाना पड़ेगा. और 801/22 पोस्ट कट है उसके लिए है. और एडवर्टाइजमेंट 2022 में निकला था, एक साल इससे एग्ज़ाम का हो गया सितंबर पिछले बार, ये अगस्त में. तो जूनियर सिविल और सेक्शन ऑफिसर दोनों का है, ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है बहुत सारे डिपार्टमेंट का. इसमें से देखिए दो डिपार्टमेंट अपना वैकेंसी ले भी लिया है, एक जल वाला था बहुत पहले ये रिटर्न कर लेते हैं, एक और भी था उसको भी आपको देखिए. अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, 190 या 200 के आसपास सीट जनरल का होगा. और टोटल सीट आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से ये दोनों निकालने के बाद, नहीं तो अच्छा वैकेंसी था. और इसमें पैटर्न वगैरह भी चेंज हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल इंजीनियरिंग में क्या आएगा और आपको पार्ट टू में क्या आएगा वगैरह वगैरह. और यहाँ पे देख सकते हैं 5/2022 का जो है वो आपको देख सकते हैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर लीगल असिस्टेंट, तो उनका एग्जाम आप 2 से 5 बजे के बीच में है. असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भी है, तो ये चीज़ है. तो इलेक्ट्रिकल वाले का भी है, थोड़ा सा इनका कम सीट होगा लेकिन है. मैकेनिकल वाले का इस दिन नहीं है, उन लोगों का है 25/9/2023 को. तो ये तो रहा आपका कि किस दिन एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग अपना आप लोग प्रिपेयर करिए. अभी तक तो आप लोग ने मुझे चांस है कि पढ़ लिए होंगे. तो इसका एडमिट कार्ड कब है, तो 4 दिन बिफोर आएगा. मतलब कि अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 27 को है तो 23 को आज 18 हो गया, तो मान लीजिए कि 4 दिन के बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है. तो चैनल पर जुड़े रहेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस. अब यहाँ पर हम लोग सिलेबस भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये कट ऑफ वगैरह हम लोग देख लेते हैं. बहुत लोग को इसी चीज़ में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो उसको हम लोग देखते हैं. देखिए 20/7/2023 को ये आपको रिजल्ट आया टीयर वन का. ठीक है, तो 801/22 पोस्ट कोड सिविल का देख सकते हैं यहाँ पे 270 उस समय जनरल का था, अब 200 के आसपास 190 हो गया है. ये सब इतना सारा था, देख सकते हैं आप लोग. OBC का भी 100 के आसपास था. टोटल 477 वैकेंसी था, अब तो कम हो गया है. इसमें आई थिंक DTC ने लिया है और जल बोर्ड ने लिया है. ठीक है, ये देख लीजिएगा. और टीयर वन का एग्जाम देखिए ये जून में हुआ था, तो आज एक साल से भी ज़्यादा हो गया, एक साल जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ हो गया. और 24,000 के आसपास कैंडिडेट जो है अपियर हुए थे, उसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 लोगों को ये मतलब ये कट ऑफ क्लियर किया. कट ऑफ कितना किया? 114.15. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 114.15. EWS OBC का देख सकते हैं कितना मतलब कम है. तो ये आप 114 जो पिछले बार जो हुआ था एग्जाम 2019 के आसपास, तो उसका जो आप कट ऑफ देखिएगा तो उस समय गया था आपका 120.84 के आसपास गया था, जहाँ तक तो मुझे याद आ रहा है. एक बार आप गूगल पे चेक भी कर लेंगे. और कैटेगरी टू का 121.8 पर गया था, मतलब आप समझिए 122. तो उस समय देखिए 121 और 122 दोनों का कट ऑफ यही रहा. पिछले बार में क्या होता था कि इंग्लिश भी रहता था टीयर टू में, तो वो 150 क्वेश्चन अगर टेक्निकल और 50 क्वेश्चन इंग्लिश आता था. अब इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार 100 क्वेश्चन आपका मतलब कि 1 नंबर का, 50 नंबर, 2 नंबर का, 200 मार्क्स का इस बार भी है. कटअप किया जाएगा उसको भी देखेंगे हम लोग. और इस बार जो जनरल इंजीनियरिंग वगैरह आया है ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह ये सब, सॉरी बायोलॉजी बोल रहा हूँ, ये मैकेनिक्स मैथ्स, तो वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे. तो ये देखिए जब उस समय कम सीट था, इस समय ज़्यादा सीट था. अभी तो थोड़ा विड्रॉ हो गया लेकिन फिर भी उस समय से ज़्यादा है. तो ये कटअप आप देख सकते हैं कि प्री में कमी गया था. इस बार अच्छा ऑप्शन है, इस बार केस है एक, लेकिन वो केस का क्या होगा वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये आप मान लीजिए कि कितना टारगेट रखेंगे ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए. तो 122 पे ऐसा नहीं कि 100 का सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया गया, 5-7 ऊपर होगा तो आपका मतलब कि फाइनल ये पोस्टिंग मिल जाएगा. तो ये रहा हम लोग का. तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए इस बार का जो पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग मतलब सिलेबस है, तो 115 मान लीजिए कट ऑफ है, पिछले बार से 6-7 नंबर कम,
तो मेंस में भी जा सकता है 5-6 समर्थन, वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन क्या आएगा, कितना नंबर का आएगा, मतलब किस लेवल का आएगा, जैसे टीयर टू वाला का, वो हम लोग डिस्कस पहले कर लेते हैं, तो फिर आप लोग का इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा डाउट है, तो हम लोग फिर लास्ट बताएंगे कि कितना कट ऑफ वगैरह जाएगा। मेरा जहाँ तक उम्मीद है 125+ अगर लाते हैं इस बार, अगर आप मतलब टोटल, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जरूर अलाउ हो जाएगा इस बार से, और क्वेश्चन टफ रहा तो इस पर आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। 125 से 130 एक रेंज बताऊंगा मैं, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो बहुत ही ये डिफिकल्ट टास्क है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें जो जेन ये पहले देखिए यहाँ पे सिलेबस पर टीयर वन, तो टीयर वन तो ये खत्म हो गया, और टीयर टू कम्बाइंड ये पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, तो ये देखिए टीयर वन लिखा हुआ है, तो ये जनरल वाइज सब टीयर वन सबको मतलब है नहीं, ये जनरल इंटेलिजेंस से मतलब है नहीं, रीजनिंग मैथ से मतलब है नहीं, इंग्लिश हिंदी आएगा नहीं, तो ये हो गया हम लोग का टीयर खत्म वन। अब फिर इसमें देखिए ये अच्छे से आप देखिएगा, मेरा जो अपना एनालिसिस है मैं अपना बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक्स देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स ये लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिया है, मतलब ये आपका सिविल भी है, इसमें सारा चीज़ है, वो सभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। उसमें आपको अगर देखा जाए तो सेक्शन बी जो होता था टीयर वन का, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या आता था, आपको सिविल भी आता था और फिर आपको जनरल इंजीनियरिंग भी आता था। तो टीयर टू में पार्ट वन एंड पार्ट टू ये दोनों लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू में ये सिलेबस है। तो पार्ट वन में तो आपको मतलब एक नंबर ये 100 क्वेश्चन आएगा, पार्ट टू में 50 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का, दोनों पेपर 2.5 घंटे का है, 150 मिनट समझ सकते हैं, 150 क्वेश्चन, तो इसमें तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस। जो टीयर वन में इस पर एग्जाम हुआ उसका आप जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन देखिए, जिस क्षेत्र में अगर 1 लाइनर से ज़्यादा 2 लाइनर वाला हो, थोड़ा न्यूमेरिकल हो, उसको देखिएगा, उसको 2 नंबर में डाल देगा इस बार। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे जो मतलब कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स, ये जनरल इंजीनियरिंग वगैरह ये सब देख सकते हैं जनरल टॉपिक्स, तो ये फर्स्ट ईयर में पढ़ना रहता था, ये आप पॉलिटेक्निक या बीटेक जिसमें भी पढ़े हो, तो ये टीयर टू के पार्ट वन पार्ट टू दोनों में ये मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है और लिख भी रहा है। तो ये एक जगह नोटिस में दिया है कि अगर मान लीजिए आपका मार्क्स दोनों का सेम आता है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स में आपको जो दूसरा वाला पोर्शन है जिसमें कि 50 मार्क्स का 2 नंबर है उसमें लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 50 मार्क्स का जो टॉपिक्स आ रहा है उसमें भी ये इंक्लूड रहेंगे। तो किस तरह का रहेगा, जैसे इस बार जो टीयर वन हुआ उसमें 20 मतलब 5 डिसिप्लिन में आया था ना, 20-20 करके आपको सिविल का 5 था, तो मान लीजिए जैसे 20 जो क्वेश्चन था ना इसमें आपको पूरा जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ये सब दिया हुआ था, और 20 में आपका इधर आके थोड़ा सा सिविल का कुछ क्वेश्चन था, जीटी वगैरह, मान लीजिए इसमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला, इसमें स्ट्रक्चर वाला, इसमें कुछ और आपका बीएमसी वाला, इस तरह से डिवाइडेड था। तो मुझे लगता है कि 100 जो क्वेश्चन आएगा उसमें 20 मतलब कि क्वेश्चन का वेटेज आएगा 1/5, और 50 में 10 के आसपास, तो 50 में जो 2-2 नंबर का आएगा उसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन ये अप्लाइड फिजिक्स का आ सकता है, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, एक अप्लाइड 4 हो गया, और एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल, 6-7 क्वेश्चन किसी से हो गया, एक एक क्वेश्चन और किसी का जो फेवरेट जो क्वेश्चन सेटर होगा वो डाल देगा। तो ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन डाल सकते हैं एक मतलब कि पार्ट टू में ये इससे, तो ज़्यादा इसको लेने का ये नहीं है, मतलब कि बेसिक बेसिक तो पढ़े ही होंगे, या नहीं पढ़े तो थोड़ा फॉर्मूला वगैरह जरूर देख लेंगे आप लोग। और पार्ट वन में अगर मान लीजिए ये कि 3-3 क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो 3-3 को अगर लीजिएगा तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आ गया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चार्ज वगैरह से पूछता है, टीयर वन का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग आइडिया लग जाएगा, या किसी और एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग का होता था या फिजिक्स वगैरह का एमसीक्यू वगैरह देखिएगा, डीसी सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आपको हीट ट्रांसफर, ये सब वेव ऑप्टिक्स, ये सब इजी क्वेश्चन ही पूछा था, जैसे कि आपको स्नेल्स का लॉ पूछ लिया हो, या आपको थोड़ा सा ये इंसिडेंट रे लाइट ये सब पूछ लिया हो, प्रिज्म वगैरह, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री में आप ये सिलेबस देखिए, ये आपको ये जो मोल वाला कंसेप्ट है ग्रुप, ये ग्रेविमेट्रिक और वेलोमेट्रिक, ये M1V1+M2V2 ये सब टाइप का जो होता है मोलर कंसेप्ट, वो सब है। वाटर का एनालिसिस और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये दोनों सिविल के इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स में है, इसको आप लोग कर सकते हैं। कोरोजन और लुब्रिकेंट, ये एक छोटा टॉपिक्स है, या पे गूगल पे या कहीं पर पढ़ लीजिएगा, ये ऑनलाइन टाइप का पोलमराइजर है, ये सब बहुत बेसिक है, एलवाज वगैरह। और मैथ्स में देखिएगा तो अलजाबरा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपको थोड़ा सा एपी जीपी हो गया, थोड़ा सा लाइन वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स ये सब तो बहुत मतलब टीयर वन में आता है, ये आप क्वेश्चन देख के लगा लिए होंगे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कितना टाइप का होता है, ये सब एसक्यू मैट्रिक्स, ये सब वेक्टर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ये 2D में जैसे लाइन दो दिया हो उसके बीच के एंगल वगैरह पूछ जाएगा, फॉर्मूला याद हुआ डायरेक्ट बन जाएगा, ये सब डिफरेंशियल कैलकुलेशन, लॉग एक्स, ई का पावर एक्स, इंटीग्रल कैलकुलेशन, ये सब आप लोग देख लेंगे। कैलकुलस का एप्लीकेशन हो गया, डिफरेंशियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा वाला कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स में जिसमें है ना, ये बहुत मतलब न्यूमेरिकल टाइप का था, छोटा छोटा, जैसे रिजल्टेंट फोर्स, जैसे एक फोर्स इधर दे दिया, एक फोर्स इधर दिया, बीच में एंगल दे दिया, कितना बीच में एंगल होगा, या रिजल्टेंट कितना मतलब किधर जाएगा, फोर्स निकालिए, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देते हैं, और मूवमेंट के बारे में
जैसे कि मान लीजिए ये आपको इसके इसके अबाउट निकालिए, इसके अबाउट निकालिए, मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया, लॉज ऑफ मोशन के बारे में देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, फ्रिक्शन वगैरह दे देता है कि ये है इस पर इतना का ओरिजेंटल लगा रहे हैं, इतना का वर्टिकल, म्यू दिया हुआ है तो नॉर्मल निकालना है, तो ए बराबर म्यू टू एन, ये सब फॉर्मूला, ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो। देखिए हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने का प्रयास करें तो उससे सबके साथ होगा ना, मतलब इतना ज़्यादा इसका गाइडेंस अवेलेबल है ना यूट्यूब वगैरह पर, सब लोग भटक ही रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पर, तो ये चीज़ को लेकर इलेक्ट्रिकल में देखिए ज़्यादा या नहीं, जैसे जीएसएससी जे का इस बार एग्जाम है उसका एक अलग सा मतलब कि पेपर है जिसमें जनरल इंजीनियरिंग और सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये मतलब 120 को 40-40 है, तो उसमें डेप्थ पूछेगा, इसमें ज़्यादा डेप्थ नहीं आएगा। डीसी सर्किट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये आरसी सीरीज मतलब पैरेलल और सीरीज में जो आपको ये सब लगाते हैं करंट एम्पियर वो सब, नेटवर्क थ्योरम, थ्योरम्स हो गया, हॉर्टन नॉर्टन वाला ये सब देख लीजिएगा, जनरेशन कैसे होता है कुछ वगैरह, कितना हाइट वगैरह पर ये सब तार वगैरह जाता है ये सब देख लीजिएगा, सप्लाई सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब कि किस तरह से ये होता है आपको बिजली का, वो सब वाट में कितना आएगा बिजली का चार्ज वगैरह निकाला, इंस्टॉलेशन सेफ्टी मेजर देख लीजिएगा, ये अर्थिंग वगैरह ये सब, मैकेनिकल में देखिएगा ना ये सबसे ज़्यादा मतलब कि ये कर रहा है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ पावर जैसे कि बेल्ट हो गया आपको, चेन ड्राइव ये सब देख लीजिएगा, कंबशन इंजन सीआई इंजन में पेट्रोल ये हो गया आपको, स्पार्क इंजन ये सब थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिएगा किस पे काम करता है, साइकिल में ऑटो साइकिल डीजल साइकिल रैंकाइन वगैरह लुब्रिकेंट में वही सब जो केमिस्ट्री में इसमें था थोड़ा सा अलग है, ड्राई करो ये सब कंस्ट्रक्शन वर्किंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में सिविल में आप लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, टर्बाइन ये आपको एक्सियल पंप हो गया आपको, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया आपको, ये सब एयर कंप्रेसर के बारे में जो आप देखते होंगे हवा जहाँ ये फिलअप किया जाता है टायर वगैरह में वो सब है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, तो क्या इसका यूज है ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा। मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं आपको, रेफ्रिजरेशन एसी वगैरह में ये दिया रहता है, फिगर वगैरह गूगल पर सर्च कर लिया, सर्वेइंग में चेन सर्वेइंग कंपास सर्विंग ये सब आपका सिलेबस है आपको सिविल का, ये आप देख सकते हैं बीएमसी है सर्वेइंग है, बीएमसी का ज़्यादा वेटेज इरीगेशन है, इसमें आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलॉजी वाला थोड़ा कम है, हाइड्रोलिक्स में एफएम है आप देख सकते हैं, आपको फ्लो थ्रू पाइप्स ये सब है आपका, और एफिशिएंट चैनल वगैरह है कि ये सब ओपन चैनल भी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का देखिए इतना सिलेबस है लेकिन बेसिक आता है थोड़ा सा देख लीजिएगा, और यहाँ पे आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, देखिए बीएमसी में दो तीन यहाँ पे अलग अलग करके कर दिया, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सोम और एसटी अलग अलग कर दिया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग कर दिया, देखिए यहाँ पे जैसे मेटल हो गया टिम्बर हो गया ये सब पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है, सॉइल मैकेनिक्स का है आपको, आरसीसी का है आपको देख सकते हैं यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये आपको ये एस टी वाला जो होता है एनसीओ स्ट्रक्चर, इसमें आपको दिया हुआ है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इससे कम आता है लेकिन देख लीजिएगा आपको, ये जो टॉपिक्स है ना जनरली टॉपिक्स है, अगर थोड़ा सा आपको टाइम मिले तो गूगल वगैरह पर पढ़ लीजिएगा या कहीं पे लेक्चर वगैरह मिल जाए, तो कैड कैड में आपको कमांड के बारे में ज़्यादा आइडिया होना चाहिए, पीवाई को देखिएगा टीयर वन का उसे भी आइडिया लग जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, स्टील का भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, एस्टिमेशन कोस्टिंग का लंबा सिलेबस है देख लीजिएगा, तो अभी आप लोग बीएमसी एस्टिमेशन कोस्टिंग और ये सब जो है आपको स्टील स्ट्रक्चर आपको आरसीसी आपको जी टी एफ एम ये सब सब्जेक्ट को एक मतलब एनालिसिस करके देख लीजिएगा कि इसमें ज़्यादा बेटे हैं उसको पढ़ने का प्रयास करें, हम लोग सिविल के यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, आप लोग पिछले वीडियो मिल जाएगा या बोलिएगा तो अलग से कि और डिस्कस कर देंगे, और ये कंस्ट्रेंट मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस बिस्टअप करने के लिए लाया जा रहा है और कुछ नहीं है, तो लास्ट में यही बताऊँगा कि जो कटअप गया था यहाँ पे आपको ये जनरल का जैसे कि मान लीजिए 114 तो पिछले साल के अकॉर्डिंग कम, इस बार हो सकता है कि मेंस में 115 भी चले जाए क्वेश्चन अगर मतलब कि अच्छा आ जाए लेवल का जो यहाँ पे आपको टीयर टू में मतलब कि आपको डाला गया है, कितना डाला गया देखिए 50 जो मतलब कि क्वेश्चन है ये, तो उसमें मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर जनरल इंजीनियरिंग या फिजिक्स केमिस्ट्री डाल दिए और 40 आपका सिविल डाल दिए तो क्या करेंगे ना, जैसे कि अब टीयर वन कहीं देखिएगा दो दो स्टेटमेंट तीन तीन स्टेटमेंट वाला कोई कोई क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर डालेंगे, अप्लाइड मतलब कि अप्लाइड कर पा रहे हैं कि नहीं, नाम ही अप्लाइड फिजिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री हो तो उसी तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो उसी में न्यूमेरिकल डाल देंगे थोड़ा सा छोटा बड़ा, मान लीजिए जैसे कि ये रिजल्टेंट फोर्स वगैरह दो तीन दे देंगे, या मान लीजिए आपको सिविल में ही आपको न्यूमेरिकल है सॉइल मैकेनिक्स का फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टील वगैरह का तो वो सब डाल देंगे, तो वो निकालने के लिए जैसे आपको इफिशियंट इफेक्टिव लेंथ वगैरह क्रिपलिंग लोड ये तो ये देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं रहेगा, आप लोग कॉन्फिडेंस अपने आप में सेल्फ बिलीफ सिस्टम अच्छा से बना कर रखें, और इस बार झारखंड जेई का भी एग्जाम है उसके लिए भी बोलिएगा तो एक हम लोग अलग से बुलाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ज़्यादा वेटेज है तो उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे, और वह यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो फिर उसको भी दे रहा है तो ये काम हो जाएगा, और देखिए 28 तारीख से झारखंड जेई का चालू हो रहा है, 30 तारीख को आपका बीपीएससी भी है तो बहुत लोग इस दिन भी पढ़ा है तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जिसका अच्छा तैयारी हो उसमें चले जाएगा, इसलिए एक ही एग्जाम है झारखंड जेई में, अच्छा वैकेंसी है बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट भी है, और ये चीज़ें फिर जे एस एस
एसएससी भी जेई भी है, सॉरी झारखंड एसएससी जेई सेंट्रल का भी है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव कर दिया दोनों पेपर, तो ऑब्जेक्टिव पे मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। ये सब अगर तैयारी कर रहे हैं तो तीन तीन एग्जाम पकड़ा जाएगा, और वो भी आपको आई थिंक 8 से 10 है, उसमें भी जीएसएससी जेई का टकरा गया है। तो मेल वगैरह कर दीजिएगा, अगर कहीं कर दे तो कर दे, नहीं तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, जिसका आपको प्रायोरिटी लगे उसको देने का प्रयास करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय। एंड आपको जरूर क्लियर करिए, हम लोग का यही आप लोग के लिए मतलब कि विषय, ऑल द बेस्ट। एंड झारखंड जेई भी है, उसके लिए बोलिएगा तो वीडियो बना देंगे। बाय।